हाई एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज सुगंधा शर्मा और आज के वीडियो में, इसी वीडियो में मैं दो ऐसी जॉब वैकेंसीज के बारे में बात करूंगी जिसके लिए फ्रेशर्स एंड एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं, बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और आप किसी भी इंडियन स्टेट या सिटी से हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। दोनों ही जॉब फ्रेशर्स के लिए हैं, दोनों ही जॉब के लिए आप किसी भी स्ट्रीम से हैं या कितने भी परसेंट से आपने अपनी क्वालिफिकेशन कम्प्लीट की है, आप अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं इन दो जॉब्स के अलावा आपको एक तरीका भी बताऊंगी जिससे आप इस तरह की और जॉब्स सर्च कर सकते हैं, जो एंड में बताऊंगी। टाइम स्टैम्प्स आपको मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, वीडियो के साथ साथ भी प्रोवाइड कर दूंगी, ताकि इन केस आप किसी एक जॉब के लिए एलिजिबल नहीं है तो आप सेकेंड जॉब पर मूव हो पाएँ, अगर आप उसके लिए एलिजिबल नहीं है तो आप इस तरह की और जॉब्स कैसे ढूंढ सकते हैं, या इन केस आप एलिजिबल भी हैं बट आप और इस तरह की जॉब्स ढूंढना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, ये तीन चीज़ें मैं इस वीडियो में कवर करूंगी। सबसे पहले हम कवर करते हैं फर्स्ट जॉब। जिस कंपनी में ये जॉब है, इसका नाम है प्लैनेट स्पार्क। प्लैनेट स्पार्क पे आई गेस मैं पहले दो वीडियोस और बना चुकी हूँ, एंड आई वांट टू मेक समथिंग वेरी क्लियर कि कोई भी वीडियो, ना ये वीडियो ना इससे पहले वाली वीडियोज, नन ऑफ द वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय प्लैनेट स्पार्क। नॉट लाइक देर इज़ एनीथिंग रॉन्ग विद स्पॉन्सरशिप, बट जस्ट वॉन्ट टू मेक इट क्लियर, क्योंकि बहुत फ्रीक्वेंटली मैं प्लैनेट स्पार्क की जॉब वैकेंसीज कवर कर रही हूँ। सो इट्स ओनली बिकॉज यहाँ पे जॉब्स हैं, सो प्लैनेट स्पार्क डजंट इवन नो दैट आई एग्जिस्ट एंड दे डोंट नो आई एम मेकिंग वीडियोज, सो नन ऑफ द वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय देम। ओके, जिस पोस्ट पे ये जॉब वैकेंसी है, ये है बिजनेस डेवलपमेंट ट्रेनी की पोस्ट पे। जॉब प्रोफाइल में जनरली पहले समझाती हूँ और बाद में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझाती हूँ, लेकिन आप लोगों के मैंने कमेंट्स पढ़े थे और मुझे ये बात सही भी लगी कि शायद हर कोई एलिजिबल नहीं होता है जॉब के लिए, इसलिए पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करेंगे। सिर्फ वो लोग जो उसके लिए एलिजिबल होंगे उनको जॉब प्रोफाइल में लास्ट में कवर करूँगी। सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं। फर्स्ट क्राइटेरिया इज़ कि एनी ग्रेजुएट कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। आपने चाहे किसी भी स्ट्रीम से, कितने भी परसेंट के साथ अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, आप अप्लाई कर सकते हैं। आपने बीई, बीटेक, एमबीए कुछ भी किया है, ग्रेजुएशन से ज़्यादा भी अगर आपकी कोई क्वालिफिकेशन है, जैसे आप पीजी परस्यू कर रहे हैं या पीजी कंप्लीट हो चुका है, यू कैन स्टिल अप्लाई फॉर दिस। इसमें एज का कोई क्राइटेरिया नहीं है, आप किसी भी एज ब्रैकेट से आते हैं, इवन इफ़ यू आर 30+, 35+, यू कैन स्टिल अप्लाई फॉर दीज जॉब्स। कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, विच मीन्स फ्रेशर्स कैन अप्लाई फॉर दिस। ईयर ऑफ ग्रेजुएशन, यानी जिस साल में आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, वो 2019 से 2021 के बीच में होना चाहिए। अगर आपने 2019 से पहले अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, तो आई सजेस्ट यू कि आप डायरेक्टर्स वाले टाइम स्टैम्प पे जाएं, जिस पे मैंने सेकंड जॉब के बारे में बताया है, जिसमें आपने किसी भी ईयर में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हो, आप अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर आपने अपना ग्रेजुएशन 2019 से 2021 के बीच में कंप्लीट किया, देन यू शुड डेफिनेटली अप्लाई फॉर दिस जॉब। द रीज़न इज़ कि ऐसी जॉब जिसमें कोई भी ग्रेजुएट, किसी भी ईयर से जो ग्रेजुएट हुआ, अप्लाई कर सकता है, वहाँ पे नंबर ऑफ एप्लीकेशन ज़्यादा होंगे, आपके सिलेक्शन के चांसेस कम होंगे। बट यहाँ पे सिंस 2019 ऑनवर्ड्स जो ग्रेजुएट हैं, सिर्फ वो अप्लाई कर सकते हैं। सो देर इज़ अ काइंड ऑफ फिल्टर कि नंबर ऑफ एप्लीकेशन कम होंगे, सिलेक्शन के चांसेस आपके ज़्यादा होंगे। इसके अलावा अगर आपके फ्रेंड्स, फैमिली या रिलेटिव्स में कोई ऐसा पर्सन है जो 2019 के बाद ग्रेजुएट है, जॉब सर्च कर रहा है, प्लीज़ आप उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं, इट विल डेफिनेटली हेल्प देम। नेक्स्ट, इसके लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट 11th May 2021 है, सो रिमेंबर दैट। इन केस आप ये वीडियो 11 मई के बाद देख रहे हैं तो भी आप अप्लाई करके देख लो, क्योंकि आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, आपको कोई फीस नहीं पे करनी है, कोई एग्जाम नहीं देना है, तो उसमें आपका ना टाइम ना पैसा वेस्ट होगा, आपको सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई करना है। बट इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो बिफोर 11th मे, देन डू डेफिनेटली अप्लाई बिफोर द डेट, एंड इफ यू वॉन्ट टू शेयर दिस वीडियो विद एनीवन, शेयर बिफोर 11th of May ओनली। नेक्स्ट, क्या स्किल्स इसके लिए रिक्वायर्ड है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऐसी जॉब्स जिसमें कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है, वहाँ पे सिलेक्शन का वन एंड ओनली क्राइटेरिया होता है स्किल्स रिक्वायर्ड। स्किल्स वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स एक बहुत वास्ट टॉपिक है, जिसमें ये चीज़ें आती हैं कि आप किस तरीके से बात करते हैं, कितनी क्लैरिटी के साथ करते हैं, कितनी फ्लुएंसी के साथ करते हैं, जो भी लैंग्वेजेस मेंशन हैं, जो जनरली इंडिया में हिंदी एंड इंग्लिश होती हैं, उनमें आप कैसे फ्लुएंसी मेंटेन कर सकते हैं, ये सब कम्युनिकेशन स्किल्स का पार्ट होता है। सेकेंड, सेल्स स्किल इसमें रिक्वायर्ड है। वाई सेल्स वाली स्किल्स इन्होंने क्यों मांगी है? जब हम जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे कि आपको एज अ बिजनेस डेवलपमेंट ट्रेनी करना क्या है, देन यू विल अंडरस्टैंड। इसका सिलेक्शन प्रोसेस ऐसे होगा कि इसमें GD, रोल प्ले एंड पर्सनल इंटरव्यू, तीन राउंड्स होंगे। GD इज सिंपली ग्रुप डिस्कशन, जिसमें आपकी बहुत क्लियरली कम्युनिकेशन स्किल्स चेक हो जाती हैं।
रोल प्ले जनरली सेल्स जॉब में होता है. इफ़ यू वॉन्ट टू नो मोर अबाउट दिस यू कैन मे बी गूगल अबाउट इट. बट आपको मैं थोड़ा सा आइडिया दे दूँ तो वो आपको बोलते हैं कि इमेजिन यू आर दिस पर्सन एंड यू आर सेलिंग दिस थिंग. तो अब आप फ़ोन पे बात करने की एक तरीके से आप एक्टिंग करके दिखाओ कि आप फ़ोन पे बात करोगे तो आप कैसे ये प्रोडक्ट सेल करोगे, जिससे अगेन आपकी सेल्स स्किल्स भी चेक होती हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स भी चेक होती हैं एंड पर्सनल इंटरव्यू. फॉर नाउ दिस इज़ अ वर्क फ्रॉम होम जॉब. अभी क्योंकि पैंडेमिक चल रहा है और आप तुरंत ज्वाइन नहीं कर पाएंगे तो अभी के लिए तो ये आपके लिए वर्क फ्रॉम होम जॉब रहेगा. बट जब सब ठीक हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, तब आपकी जॉब लोकेशन इसमें गुड़गांव रहेगी. क्योंकि मैंने पहले वाली वीडियोस में भी बताया कि प्लैनेट्स फार गुड़गांव बेस्ड कंपनी है, गुड़गांव में इसका हेड ऑफिस है. सैलरी की बात करते हैं. फर्स्ट मंथ जो होगा ये आपका ट्रेनिंग पीरियड होगा. फर्स्ट मंथ में आपकी सैलरी 20,000 रुपीज़ पर मंथ होंगी, जो एक तरीके से आपका स्टाइपेंड होगा क्योंकि आप अंडर ट्रेनिंग होंगे. फर्स्ट मंथ में ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आपकी सैलरी 6.5 लाख पर एनम होगी, जिसमें 4 लाख इज़ फिक्स्ड. अब बात करते हैं जॉब प्रोफाइल के बारे में या जॉब रोल्स के बारे में, सो दैट अगर आप अप्लाई करते हैं और आपको कोई रिस्पॉन्स आता है तो यू कैन बी बेटर प्रिपेयर्ड. किसी भी जॉब के लिए जब भी आप अप्लाई कर रहे हैं, जॉब रोल या जॉब प्रोफाइल को बहुत अच्छे से पढ़ें. मेरे हिसाब से दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती हैं, जॉब प्रोफाइल एंड स्किल्स रिक्वायर्ड. क्योंकि किसी भी इंटरव्यू को आप बहुत अच्छे से क्रैक कर सकते हैं अगर आप इन दोनों चीज़ों पर ध्यान देते हैं. तो जॉब प्रोफाइल आपकी क्या होगी, सबसे पहले आपको ऐसे पेरेंट्स को कॉन्टैक्ट करना है जो लीड हैं, यानी जो इंटरेस्टेड हैं अपने बच्चों का एडमिशन कराने में. कोई भी पर्सन, कोई भी लीड, कैन बी एल्डर ब्रदर सिस्टर्स एंड कैन बी रिलेटिव्स, कोई भी हो सकता है. कई बार स्टूडेंट्स खुद इंटरेस्टेड होते हैं, तो जो भी लीड है आपको उसको कॉन्टैक्ट करना है और आपको उसको कन्विंस करना है एडमिशन लेने के लिए. सेकेंड, प्लैनेट स्पार्क की जो ऑनलाइन क्लासेस हैं उसको लाइव सेल करना है, जो लाइव ऑनलाइन क्लासेस रहेंगी. थर्ड, आपको पेरेंट्स की ऑनलाइन काउंसलिंग करनी है, वीडियो काउंसलिंग करनी है. ओवर एंड ऑल ये एक सेल्स डिपार्टमेंट की जॉब है जिसमें आपको सेल्स करनी है. तो सेल्स करने के क्या तरीके होते हैं कि आप उनको कॉन्टैक्ट करते हैं, आप उनको कॉल करते हैं, आप उनको कन्विंस करते हैं कि वो इस कोर्स में एडमिशन लें या अपने बच्चों का एडमिशन कराएं. आप उनकी काउंसलिंग करते हैं, उनको पूरा प्लान एक्सप्लेन करते हैं, क्या बेनिफिट्स हैं ये सब एक्सप्लेन करते हैं. तो इन सब के लिए आपको ट्रेन भी किया जाएगा. बट दैट इज़ वाई आपकी सेल्स स्किल और आपके कम्युनिकेशन स्किल्स इंपॉर्टेंट होंगी. क्योंकि जब आप किसी भी लीड के साथ कॉन्टैक्ट कर रहे हैं तो आप, क्योंकि वहाँ पे खुद फिजिकली प्रेजेंट नहीं है, आपकी कम्युनिकेशन ही कन्विंसिंग का काम करेंगी. नेक्स्ट, हाउ टू अप्लाई फॉर दिस जॉब. डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक प्रोवाइड करूँगी, जो ग्रेट लर्निंग अकेडमी का एक लिंक है, आप उसके थ्रू इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं. अगर आपको याद हो तो कुछ दिनों पहले मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी कि ग्रेट लर्निंग अकेडमी ने खुद का एक प्लेटफॉर्म करियर प्लस लॉन्च किया है, जिसमें कोई भी फ्रेशर जो ग्रेजुएट है वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है. यहाँ पे बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल हैं. इसके बारे में हम थोड़ा सा और बाद में बात करेंगे, बट आप इस प्लेटफॉर्म के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं. और इस प्लेटफॉर्म के बारे में अभी आई थिंक मैंने हार्डली 1 week to 10 days बैक आई टॉक्ड अबाउट इट. लेट्स गो ऑन द सेकेंड जॉब वैकेंसी नाउ. सेकेंड जॉब में जो कंपनी का नाम है ये है TJMO इंडिया साउथ प्राइवेट लिमिटेड. जिस पोस्ट पे ये जॉब है ये सेल्स ऑफिसर की है. अगेन ये सेल्स डिपार्टमेंट की जॉब है. जॉब की लोकेशन बैंगलोर है. और ये वर्क फ्रॉम होम रहेगी कि नहीं ये अभी फिलहाल इसमें मेंशन नहीं है. इसके लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट 10th मई है. अगर 10th मई के बाद आप ये वीडियो देख रहे हो, जस्ट अप्लाई फॉर इट. बट आई एम नॉट श्योर, मे बी द लिंक विल एक्सपायर और समथिंग लाइक दैट विल हैपन. सो इफ यू वॉचिंग इट बिफोर 10th मई देन डू अप्लाई टू डेट सेल्फ. ओके, नाउ इसके लिए क्या स्किल्स रिक्वायर्ड है. अगेन सेल्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्किल्स होती हैं आपकी कम्युनिकेशन स्किल, आपकी सेल्स एंड मार्केटिंग स्किल्स. सो दैट इज़ वॉट इज़ रिक्वायर्ड हेयर. क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड में है एनी ग्रेजुएट, कोई भी ग्रेजुएट इसके लिए अप्लाई कर सकता है. ग्रेजुएशन का ईयर यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, विच मीन्स जो लोग पिछली वाली जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर पाए थे वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं. सैलरी इसमें फिक्स रहेगी 20,000 पर मंथ. और इसके अलावा आपके इंसेंटिव्स भी होंगे, विच टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज वॉट हैपन्स जनरली इन सेल्स इज के आप जितने लीड्स को कन्वर्ट कर पाते हैं क्लाइंट में उतना आपको इंसेंटिव मिलता है पर कन्वर्शन. तो इस तरीके से 10,000 to 15,000 पर मंथ का इंसेंटिव रहेगा. अदरवाइज 20,000 पर मंथ तो फिक्स रहेगा ही, उसके अलावा आपको इंसेंटिव्स मिलते रहेंगे. सिलेक्शन प्रोसेस आपका इसमें 2 rounds ऑफ इंटरव्यू के फॉर्म में होगा. एंड इस जॉब के बारे में ये सब डिटेल्स गिवन है. इस जॉब का भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी. तो ये दोनों ही जॉब मुझे ग्रेट लर्निंग अकेडमी से मिली. ग्रेट लर्निंग अकेडमी का जो प्लेटफॉर्म है करियर प्लस, उसके थ्रू मिली. करियर प्लस के बारे में जैसे कि मैंने बोला, मैंने आपको पहले भी बताया था, पिछली वीडियो से ऑलमोस्ट 1000s ऑफ स्टूडेंट्स अप्लाइड फॉर इट. एंड आई विल नॉट लाई दैट ऑल 1000 गॉट जॉब, बट एटलीस्ट 100s ऑफ देम गॉट द जॉब. सो बिकॉज
सी लेट्स बी ऑनेस्ट, आप मेरी वीडियो के अलावा किसी भी सोर्स के थ्रू कभी आप एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर से या किसी और वीडियो से या इंटरनेट पे जॉब वैकेंसी से या किसी वेबसाइट से आपको कोई जॉब पता चले, जो भी आपका एक्स वाई जेड सोर्स है जॉब्स के बारे में पता करने का, कभी भी ऐसा नहीं होता कि जितने लोगों को किसी भी सोर्स से जॉब के बारे में पता चलता है उन सभी का सिलेक्शन होता हो. सो इसलिए हर किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ है, बट हंड्रेड्स ऑफ माई सब्सक्राइबर्स हैव ऑलरेडी गॉट द जॉब वॉचिंग दैट वीडियो एंड आई वॉज वेरी हैप्पी अबाउट दैट. सो मैं आपको इन केस आपसे वो वीडियो मिस हो गई है तो उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी एंड आपके साथ मैं यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट में भी शेयर कर देती हूँ. अगर फिर आपको डिटेल्स चाहिए होंगे तो आप वो वाली वीडियो रेफर कर सकते हैं. तो एनी ग्रेजुएट फ्रॉम एनी इंडियन स्टेट और सिटी, बॉयज एंड गर्ल्स बोथ, एंड मे बी यू आर फ्रेशर, मे बी यू आर एन एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स बोथ ऑफ यू, सो एवरी वन कैन अप्लाई फॉर करियर प्लस. करियर प्लस जैसा कि मैंने बताया ग्रेट लर्निंग का ही पार्ट है, तो इसकी ऐप भी है, वेबसाइट भी है, उनके लिंक्स भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी. सबसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि इस प्लेटफॉर्म के थ्रू जॉब सर्च करना इज कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट. एट एनी स्टेज नोबडी विल आस्क यू फॉर मनी. अब मैं आपको शॉर्ट में बताऊँ तो आपको करियर प्लस पे जाना है, एक जॉब एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है जो जिसको JET भी कहते हैं, उसमें आपके स्कोर के बेसिस पे जो कंपनीज हैं वो आपको शॉर्टलिस्ट करेंगी और आपको कोई थर्ड पार्टी को कॉन्टैक्ट नहीं करना है, आप डायरेक्ट कंपनी के HR से कॉन्टैक्ट कर पाएंगे. मतलब JET में अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हो या आप कॉन्फिडेंट नहीं हो कि आप अच्छा स्कोर कर पाओगे कि नहीं, तो उस पर्टिकुलर जॉब से रिलेटेड जो कोर्सेज हैं वो आपको अगेन उस इसी प्लेटफॉर्म पे ग्रेट लर्निंग अकेडमी पे ही फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे. अगेन यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग फॉर दैट. लास्ट टाइम जब मैंने इस टॉपिक पे वीडियो बनाई थी तो मैंने बताया था कि अभी सिर्फ 2020 और 2021 जो पास आउट्स हैं सिर्फ उन्हीं के लिए ये प्लेटफॉर्म है, बट बहुत जल्दी 2019 एंड उससे पहले जो पास आउट है उनके लिए भी इस पर जॉब स्टार्ट हो जाएगी. ये बात आई थिंक मैंने हार्डली 1 week 10 days बैक बताई थी और ऑलरेडी वो चीज़ स्टार्ट हो गई, क्योंकि आप देखिए आज जो मैंने वीडियोज़ बनाई दोनों उनमें से एक जॉब के लिए जो 2019 में पास आउट हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, सेकंड जॉब के लिए आप किसी भी ईयर में पास आउट हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं. तो आप किसी भी ईयर में पास आउट हैं आप एक बार प्लेटफॉर्म पे जाएं, आपको सिंपल रजिस्ट्रेशन करना है, ईमेल आईडी डालना है, OTP एंटर करना है, नेम फोन नंबर पासवर्ड डाल के सबमिट करना है. इसके बाद आपको अपना प्रोफाइल बनाना है जिसमें आपको अपनी कॉलेज डिटेल्स, कौन से स्ट्रीम में आपने ग्रेजुएशन किया है, कौन से ईयर में आप पास आउट हैं, कौन से कॉलेज से, बस ये सब डिटेल्स एंटर करनी है और आप डायरेक्ट कंपनीज के साथ टच में आएंगे आपके JET स्कोर के बेसिस पे. JET के थ्रू अप्लाई करने से आपको बेनिफिट ये होता है कि अगर आप नॉर्मली किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो देर आर सो मेनी एप्लीकेशंस के ऑल्दो यू आर डिजर्विंग कैंडिडेट तो भी आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, बट यहाँ पे बिकॉज ऑफ JET फिल्ट्रेशन हो जाता है कि आप अगर आपने बहुत अच्छा स्कोर किया है तो यू विल पुल द अटेंशन ऑफ कंपनीज एंड दे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट यू. ऑल द लिंक्स आर देयर इन द डिस्क्रिप्शन, सो प्लीज डू चेक इट आउट बिकॉज it's a very good way of searching the job. Thank you very much for watching this video. If you have any other video requests or ideas, then you can let me know in the comments.